हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्लेन ज्योमेट्री फॉर एलिमेंट्री ग्रेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 17। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद इट्स थ्री साइड्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते इस क्वेश्चन में हमें बेस लाइन दी है क्या नहीं। हाँ, हमें इस क्वेश्चन में एक बेस लाइन दी है जो कि है इसका मिडल पॉइंट, मतलब 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग स्केल की मदद से एक 5 सेंटीमीटर की एक बेस लाइन बना के लेंगे। बेस लाइन बनाने के बाद उस बेस लाइन को नाम देंगे बेस लाइन BC। बाद में हम लोग स्केल की मदद से कंपास में 4 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस लेंगे और B को सेंटर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क बना के लेंगे। उसके बाद फिर से स्केल की मदद से कंपास में 6 सेंटीमीटर इतना रेडियस लेंगे, सी को सेंटर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क बना के लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कभी भी आर्क बनाइए तो थोड़ा लंबा आर्क बनाइए, क्योंकि अभी जैसा हमारा आर्क हुआ ना, वैसा भी आपका हो सकता है। फिर जाने दीजिए, हमें जो नया पॉइंट मिल गया आर्क बनाने की वजह से, इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ए। बाद में हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ के ले लेंगे और उसके बाद पॉइंट ए और पॉइंट सी को हम लोग स्केल की मदद से जोड़ के ले लेंगे और उसके बाद अननेसेसरी पार्ट को हम लोग इरेजर से इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने बना दिया एक ट्रायंगल जो कि है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो अभी उसके बाद हमें करना है इस ट्रायंगल ABC को हर साइड से बाइसेक। तो सबसे पहले हम लोग बी पॉइंट को बाइसेक करते हैं, लेकिन हम लोग एक पॉइंट को बाइसेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग बी पॉइंट के 2 पॉइंट बना के लेंगे। उसके लिए हम लोग कंपास में बी से ए तक का मेजरमेंट हाफ से ज्यादा लेंगे और 2 आर्क बना लेंगे और बाद में हम लोग उस 2 नए पॉइंट से एक आर्क बना के बी को बाइसेक कर लेंगे। बाद में जो नया पॉइंट आएगा उस नए पॉइंट को पॉइंट बी से जोड़ने के लिए हम लोग स्केल का इस्तेमाल करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से हम लोग ऊपर तक बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसा हमने एंगल बी को 2 नए पॉइंट बना के बाइसेक कर दिया, सेम टेक्निक का यूज करके आपको पॉइंट सी को भी 2 नए पॉइंट बना के बाइसेक करना है। दोनों का मेजरमेंट प्रॉपर और एक जैसा होगा तो ही हमारा आगे का प्रॉब्लम इजी और बराबर से आएगा। तो दोस्तों, पॉइंट सी को बाइसेक करने के बाद हम लोग फिर से स्केल की मदद से आर्क को और पॉइंट सी को अच्छे से जोड़ के ले लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ट्रायंगल के ऊपर तक खींचेंगे। इससे हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। सेंटर पॉइंट मिलने के बाद हम लोग उस सेंटर पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट ओ। अभी हमें पॉइंट ओ में से लाइन BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन एक पॉइंट के अंदर से हम लोग ना बाइसे कर सकते हैं ना परपेंडिकुलर बना सकते हैं, इसीलिए वो पॉइंट के ऊपर कंपास का पॉइंट रख के बी तक का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके हम लोग लाइन BC पे वो पॉइंट के 2 नए पॉइंट बना लेंगे। बाद में उन दोनों पॉइंट को बाइसेक कर लेंगे। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेके किसी भी चीज को बाइसेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारा आर्क आ गया। अभी हम पॉइंट ओ से उस आर्क को एक स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर ओ पॉइंट में से हो जाएगा। तो दोस्तों, ओ पॉइंट के परपेंडिकुलर की वजह से लाइन BC पे जो नया पॉइंट बना है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, उस नए पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट P। बाद में कंपास का पॉइंट ओ पे रखे और पेंसिल का पॉइंट P पे रखे प्रॉपर पूरा डिस्टेंस लेंगे और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए।